39 साल में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही भारतीय टीम, और इस भारतीय टीम की जीत का थीम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। मिशन 3-0 पूरा, लेकिन कुछ काम अभी भी अधूरा रह गया। भारतीय टीम ने आखिरी मैच में 96 रनों से वेस्ट इंडीज को दोहराया, लेकिन टॉप ऑर्डर का फॉर्म चिंता का विषय बना रहा। हालांकि मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजों ने फिर रंग जमाया। मिडिल ऑर्डर में जहाँ श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच में 110 रनों की साझेदारी ने मैच में वो बुनियाद रखा, जिसके बाद जिस तरह से दीपक चहर ने बल्लेबाजी की और वॉशिंगटन सुंदर ने उससे, रोहित शर्मा ने सीरीज जीतने के बाद हालांकि कहा कि बहुत ज़्यादा वो नंबर्स पे विश्वास नहीं रखते, यानी कि क्लीन स्वीप ज़रूर किया है उन्होंने, इतिहास ज़रूर रचा है, लेकिन उनके लिए जो ज़्यादा मायने रखते हैं कि जो बॉक्सेस थे उसको कैसे उन्होंने टिक किया। और जब सीरीज़ ख़त्म हुई तो शायद वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर इस बार नहीं चला, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया और लगभग हर गेंदबाज ने अपनी अहमियत को दर्शाया। सीधे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रोहित। Not in my hands. Nikhil from PTI and Abul Karadkar. Yeah, Rohit, apart from the middle order and Prasidh, what positives you take as the captain from this series? Because you completely bulldozed West Indies in all the three matches. So as a captain, a new captain in the White Ball series, what other positives do you take? What other positives? I think the biggest positive was obviously our bowling unit. And bowling unit, I mean, if I have to, differentiate the fast bowlers and the spinners, I think they did a great job in this particular series. Along with Prasidh, Siraj was outstanding the way he bowled with a lot of pace again with the new ball and in the middle as well. Shardul played a couple of games, bowled well in the middle. Got one opportunity to bowl with the new ball. And then Deepak, I was very impressed with his skills as well. The way he swings the ball. I think the entire bowling unit who played in this particular, series were quite impressive. I must say that, honestly. तो रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों की तारीफ करते नजर आए, दीपक चहर से बहुत इंप्रेस हैं जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की और जिस तरह से नया बॉल को मूव किया। प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ दी सीरीज बने और मोहम्मद सिराज ने भी अपना एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा वाइट बॉल क्रिकेट के साथ। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस समय राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस समय रितेंद्र सोढ़ी भी हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल तो आपसे ही, इससे पहले 2 सालों में जब भी हम कोई सीरीज या टूर्नामेंट जीतते थे टॉप ऑर्डर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था, लेकिन इस बार मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया लगभग हर मैच में। सूर्य कुमार यादव पहले 2 मैचों में चमके, तीसरे में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे अपने टॉप ऑर्डर पर, भले ही वो शिखर धवन थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो अगर आप पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इन तीनों बल्लेबाजों ने जब जब रन बनाए तो भारत मैच जीतता था, और बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी थी इन तीनों के ऊपर। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि इस सीरीज में हमने देखा, दो अभी इट इज वेरी अर्ली टू से बिकॉज वेस्ट इंडीज एक काफी कमजोर टीम थी, लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया है, जिम्मेदारी ली है हमारे नए यंगस्टर्स ने, भले वो श्रेयस अय्यर हो, सूर्य कुमार यादव हो या ऋषभ पंत हो। तो ये एक अच्छी बात है कि भारतीय मिडिल ऑर्डर अब कंट्रीब्यूट कर रहा है, वरना तो एक बड़ा वैक्यूम सा आ गया था मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल रितेंद्र, क्या आप भी मानते हैं मैं ये सीरीज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की खोज के लिए याद की जाएगी, क्योंकि जब जब रोहित विराट शिखर रन बनाते थे मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत काम नहीं बचता था। ये पहली ऐसी सीरीज है पिछले कुछ सालों में जहां पे टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निल था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने हर बार संभाला आके और मैच जिताया। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, शानदार परफॉर्मेंस दी है मिडिल ऑर्डर ने। और ये जो सीरीज अब घटी है ये वर्ल्ड कप की तैयारी है राजीव, हम सब नए प्लेयर्स की खोज कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, आई थिंक दे हैव बीन अप्लॉडेबल, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस इसकी जरूरत थी, राहुल द्रविड़ को इसकी जरूरत थी, रोहित शर्मा को। जी हाँ, मैं मानता हूँ टॉप ऑर्डर ने जरूर थोड़ा निराश किया है, बट अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं,
इस टूर में हमें अच्छे लड़के मिले हैं। आप बॉलिंग की बात करें, शानदार बॉलिंग की है, तो आई एम श्योर राहुल द्रविड़ विल बी अ हैप्पी मैन आफ्टर दिस सीरीज। राजकुमार सर, हमेशा जब भी भारत में आप कोई सीरीज जीतते हैं या क्लीन स्वीप करते हैं तो स्पिन गेंदबाजों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये शायद पहली ऐसी सीरीज होगी पिछले कुछ सालों में जहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला भारतीय पिचों पे, और मैन ऑफ द सीरीज भी कोई तेज गेंदबाज हुआ, यानी प्रसिद्ध कृष्णा का मैन ऑफ द सीरीज बनना बहुत मायने रखता है। और रोहित शर्मा अगर क्लीन स्वीप कर रहे हैं 39 साल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली बार, तो बड़ा योगदान यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर जैसे गेंदबाजों का रहा। बिल्कुल राजीव, ये बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने स्पेशली गेंदबाजी की है वो बहुत शानदार है। अच्छी लंबी हाइट के गेंदबाज हैं और वो हेट करते हैं डेक को, और इसीलिए उनको अच्छा बाउंस मिल रहा है, हाथ में स्विंग भी है उनके, तो ये एक अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि भारत को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला है जो अच्छी किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजी कर सकता है। और साथ साथ मोहम्मद सिराज जो पिछले काफी दिनों से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा बॉलिंग यूनिट सेकेंड लाइन हमारा तैयार हो रहा है। दीपक चहर का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है, और अभी हमारे जब मेन बॉलर्स दोनों बुमराह और शमी आएंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये गेंदबाज तैयार हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि भारत के पास अच्छे तेज गेंदबाज बेंच पर भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और रितेंद्र क्या हम कह सकते हैं ये गेंदबाजों की सीरीज रही एक बार फिर, भारतीय बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट जरूर किया लेकिन जो महफिल लूटने की बात है, जो हमारे हीरोज की अगर बात करें तो वो गेंदबाज रहे। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, चकदे फट्टे परफॉर्मेंस रही है। अगर हम भारतीय बॉलर्स की बात करते हैं, मोहम्मद सिराज कमाल की बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्णा बक कमाल शानदार जानदार, और अगर हम बात करते हैं युजवेंद्र चहल ने फॉर्म को पकड़ा है, कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, तो जो प्रेडिकमेंट नजर आ रहा था बहुत से बॉलर्स जो फॉर्म में नहीं थे, अगर हम चहल की बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी जगह को सीमेंट किया है, एक तरह अब विकल्प बन चुके हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो जी हाँ, सराहनीय। आई थिंक वी हैव टू गिव इट 10/10 ऑन इंडियन बॉलर्स।